हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के हो रहे हैं 11:30। आज है थर्सडे 15th ऑफ दिस मंथ। कल का दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा मेरा गला बैठा हुआ है। कल तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, आज तो फिर भी थोड़ा बहुत आवाज़ निकलनी शुरू हुई है। सो कल के दिन कुछ एक्टिविटी भी नहीं की क्योंकि कल तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो आराम किया, मेडिसिन लिया। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हाँ जी भाई, लोग जा रहे हैं जावा अपनी बाइक का, बाकी का एक्सेसरीज लगवाने। हाईवे 8A पे फिर से जाम लगा हुआ है, सो अनफॉर्चुनेटली हैड टू टेक अ सेपरेट। हाय गाइस, वी आर हियर एट जावा। लेट्स होप एक घंटे में फ्री करते हैं क्योंकि 12 बजने को है और मुझे करीब आपको 1:30 बजे के आसपास लेने भी जाना होगा, और नेशनल हाईवे 8A पे जाम है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रीच देयर ऑन टाइम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी भी बोलो यार, बाइक का लुक आता है। अभी हम अपनी बाइक में जो एक्सेसरीज लगवाने हैं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। बाइक का रेस्ट रहेगा, बाकी देखें और क्या अवेलेबल है। हाँ जी भाई लोग, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर देखा? मैंने देखा, मज़ा आ गया। कसम से बोल रहा हूँ, ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली और एंड गेम के बाद अब कोई पिक्चर थिएटर में देखने का मन है ना, तो यही है। देखें क्या होता है, अपन ने तो अभी से रिमाइंडर लगा दिया है। हे गाइस, टाइम हो रहा है 1:45। गरिमा को स्कूल से पिकअप करके घर ड्रॉप कर दिया। बाइक अपना भी रेडी नहीं हुआ था तो इमरजेंसी बेसिस पे निकलना पड़ा। अच्छा, हिमांशु और डैड मुद्रा निकले हैं, देर इज़ अ मीटिंग। लेट्स सी क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू द ऑपरेशंस SOP। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ न्यू क्वेरी फ्रॉम माई क्लाइंट, मोस्ट प्रोबेबली कांडला में सॉल्ट से रिलेटेड कुछ कंटेनर्स रहेंगे। देखें वर्कआउट होता है कि नहीं, आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन द सेम। अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में 50 से भी ज़्यादा स्पाइडरमैन होंगे, कैन यू बिलीव? हे गाइस, गुड इवनिंग। रात के हो रहे हैं 10:15। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का खाना हो चुका होगा, मेरा भी हो गया है। जैसा कि आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है, गला अभी भी कुछ खास ठीक नहीं हुआ है, लेकिन चलिए कोई ना। ओके, अब ऐसा है, कल सुबह हिमांशु निकलेगा चोपड़वा, 5 कंटेनर्स की स्टफिंग है सॉल्ट की। इसके अलावा मैं और मेरे पापा हम लोग जा रहे हैं मुंद्रा। प्रोजेक्ट कार्गो शिपमेंट की बात करी थी मैंने आपसे, वो मटेरियलाइज हो गया है, 2-3 दिन में उसका एक्सपोर्ट रहेगा। सो कल उसके प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग कार्गो का मेजरमेंट और फोटोग्राफ्स, बेसिकली कंडीशन ऑफ द कार्गो चेक करेंगे। इसकी एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा अगर कर सकता हूं तो, क्योंकि अगेन मुंद्रा पोर्ट इज़ बेसिकली सेफ्टी एरिया है। सो उसमें वीडियो बनाने मिलता है नहीं मिलता है वो देखना पड़ेगा। कल जो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के लिए हम जा रहे हैं, उससे 2 या 3 दिन बाद उसका एक्सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा हमारा और एक शिपमेंट है, उसका भी रहेगा, देखते हैं क्या होता है। मैं हूँ, पापा है, हिमांशु है, थोड़ा हेक्टिक ज़रूर हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ काम के साथ साथ हम लोग थोड़ा वीलॉग भी कर सकें। ऑफिशियल एरिया इसकी कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा, आपके साथ अपनी दुनिया ज़रूर शेयर करूँगा। आप भी देखिए हम लोग क्या काम करते हैं। और आज दिखा सकता हूँ, तो ये आ गई है हमारी जान पे, इंस्टेंट अभी भी आया नहीं है, लेकिन पीछे ये बैक रेस्ट लगा दिया है ताकि वाइफ अगर बैठे तो कंफर्टेबली बैठे, यहाँ से गिर ना जाए। उसके अलावा ये लेग गार्ड लग गया है, मेन स्टैंड बाकी है। बाकी कसम से बोल रहा हूँ, बैक रेस्ट लगाने के बाद मेरी गाड़ी का पूरा लुक खराब हो गया, लेकिन क्या करें, मजबूरी का नाम आत्मा। पोस्ट लंच सम सेल्स कॉल्स वर लाइंड अप, सो उसमें ऑक्यूपाइड था। शाम को घर आके थोड़ा बैडमिंटन खेला है। अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, अपनी फैमिली की हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, हल्का फुल्का सही सही, लेकिन चालू किया है
उम्मीद करता हूँ जब तक विंटर्स हैं तब तक तो कंटिन्यू करें ही करें। और सबसे मुद्दे वाली बात, स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर आ चुका है, अगर ये नहीं देखा तो फिर क्या देखा। ट्रस्ट मी, लॉग इन टू यूट्यूब, चेक आउट द ट्रेलर, इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। स्टिल रिमेंबर दोज डेज, स्टार प्लस या सी टीवी, पता नहीं कोई तो टीवी था, उसके ऊपर फॉक्स किड्स का शो आता था, एक डेढ़ घंटे का, दो घंटे का, व्हेन आई वाज स्मॉल किड। एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन एक्चुअली टुक माय ब्रेथ अवे। क्या अमेजिंग बनाया था उसे, क्या एनिमेशन था, क्या स्टोरी लाइन थी, मैं तो फैन तब से ही हो गया। उसके बाद में बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी, बहुत सारा मर्चेंडाइज खरीदा, खैर अब तो बच्चे की उम्र हो गई मर्चेंडाइज खरीदने की, बट एनीवेज व्हेन स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स केम, मैं उसका फ़ैन हो गया। द स्टोरी लाइन वॉज फैंटास्टिक, इवन दो बेसिकली स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट इज द सेम, ही लूजेज हिज अंकल एंड ही बिकम स्पाइडरमैन एंड दैट्स फेमस टैग लाइन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट बींग सेड, इसमें अपना हीरो जो है दैट इज़ नॉट पीटर पार्कर बट दैट इज़ माइल्स मोरालेस। थोड़ा टाइम पहले मैंने फेसबुक पे उसके ऊपर एक पोस्ट डाला था स्टेटिंग माइल्स मोरालेस बाय लॉन्ग शॉट इज द मोस्ट कूलेस्ट स्पाइडरमैन इन द एंटायर स्पाइडर वर्स। उसके पावर्स देखो, उसका कॉस्ट्यूम देखो, उसका थीम देखो, इट इज सुपर्ब। नाउ आई एम ईगरली वेटिंग फॉर फ्यू मोर ट्रेलर्स ऑफ द मूवी। अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक आई सेड भैया, 2 जून 2023 का रिमाइंडर मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में लगा दिया है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, इफ़ द मूवी इज़ कमिंग टू गांधीधाम आई विल बी देयर फॉर श्योर। मेरी लड़की जाए ना जाए, मेरा ब्रदर इन लॉ जाए ना जाए, मेरी वाइफ जाए ना जाए, अकेला जाके देखूंगा, पर देखूंगा ज़रूर। ओके गाइस, टाइम फॉर मी टू टेक योर लीव, इट्स गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल।